हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बूम भरी डिजिटल। मैं हूँ भावना, ये है अर्थकुम और अब हम हैं बाबा जी के साथ। इनके बारे में जानते हैं तो पहले तो अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं। रामानंद गिरी श्री पंच दस नाम आवाहन अखाड़ा, ये परम से चला आ रहा है नांगा सन्यासियों से, और जैसे चला आ रहा जैसे चलता जाएगा। और कुंभ मेला जब जब आता है, जब तक नांगा सन्यासी जब तक नहीं आते, जब तक कुंभ मेला नहीं माना जाता है। जब नांगा सन्यासी आते हैं, जब महाकुंभ महापर्व माना जाता है, उनके भक्त सेवक सज्जन श्रोता बंधु सब गोता स्नान करने के लिए हित आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगा करके मनोकामना अपना सिद्ध करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम जब वीडियोस बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये अचरज होता है कि नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, आपने तो पूरे वस्त्र पहने हुए हैं, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? कपड़ा पहने उतार के रख दूं क्या? आपका नहीं बोलूं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि जो नागा नहीं पहनते तो वो नहीं 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 बिल्कुल एक के ओके हो गए। ये लो तुम्हारी बात मान। मेरा पूछने का मतलब ये था कि नागा जो वस्त्र आपने कह दिया वस्त्र उतार तो मैं उतार के रख दिया। मैंने नहीं कहा। मेरी क्या गलती? नहीं, हिंदू धर्म में ऐसा है, कुछ मर्यादा भी। मैं वही बोल रही हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता कि नागा को ये भी त्याग करना पड़ता है, मैं उस बारे में आपसे पूछ रही थी। नागा को बहुत भारी त्याग करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है और तप करना पड़ता है। जब कहीं तप करने के बाद में ही नागा बनता है। बाल योगी जो बनता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा आपको कितने साल हो गए नागा बनकर? मेरे को हो गए 30-35 साल। तो आप, मैं वो आपसे पूछ रही हूं, आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि आपको नागा साधु बनना है? ये तो भगवान की इच्छा है, भूत भोलेनाथ की इच्छा है। बट ऐसी कोई घटना हुई थी आपके जीवन में? नहीं, कोई घटना है, कोई घटना से साधु नहीं बनता है, खुशी से बनता है साधु। जब उसकी आत्मा उमंग आ जाता है तो सब गृहस्थी को त्याग करके और सन्यास रूप धारण कर लेता है। आज जिसको उमंग नहीं आती है तो राजपाट घर में बैठा रहता है। इसलिए बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा और बताइए कैसा जा रहा है इस बार का कुंभ? हमारे गणपतगिरी महाराज बोलेंगे थोड़ा। अच्छा आप बताइए। केवल फैला दिया गया है मेला, लेकिन कार कुछ नहीं है। देख लीजिए आप चल के अंदर, वो तो हर जगह वही बोल रहे हैं लोग। जी तो क्या केवल फैला दिया गया है? कोई यहाँ टंकी की कोई व्यवस्था नहीं, गरीब आदमी पैदल मारे 50 किलोमीटर घूम रहा है पैदल। व्यवस्था है जिधर है, बाकी इधर कोई देखने वाला ही नहीं। कोई पत्रकार भी उजक के देख के उसको नहीं निकाल रहा कि यहाँ पे ये परेशानियाँ हो रही हैं। नहीं तो जो बोला गया है कि इतना ज्यादा बजट इस बार यूपी गवर्नमेंट ने खर्च किया, तो वो पैसे कहाँ दिख रहे हैं फिर? वो दिख रहा है स्टेशन के पास, योगी जी ने बाहर के लोगों के लिए जो प्रबंध दिखाया है वहीं तक दिखाते हैं। बाकी आप मेले में अंदर घुस के देखें क्या है, मेले में अंदर तो गंदगी के अलावा कुछ और मिल जाए उसे तुम बताओ देख के अपनी। पहले के राजा महाराजा लोग खर्चा करते थे, अब कमाने का कुंभ हो रहा है। आप क्या कहेंगे सुविधा के बारे में? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं हो पाती, ना लेटरिन है ना बाथरूम है, और हर टेंट में यही परेशानी चल रही है लेटरिन बाथरूम की। और जिस टेंट में देखा जाए तो कचरा कचरा ही मिलता है। पिछली बार जब आप इलाहाबाद को आए थे तब क्या मतलब तब कैसी स्थिति थी? अति सुंदर था। अच्छा। पहले 2013 में अति सुंदर अति सुविधा थी सन्यासी नांगों के लिए, आम जनता के लिए। सबसे ज्यादा सन्यासी ही परेशान है लेटरिन बाथरूम से, जो साधन नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से यूपी गवर्नमेंट को? नासिक में इंतजाम करता है, हर जो साधु रहते हैं तो उनके स्थान बनाए जाते हैं, यहाँ साधुओं के स्थान तोड़े जा रहे हैं। अच्छा। जो पुराना रह रहा है उसके तोड़ के तो तोड़े जा रहे हैं, तो उनको तो नया बनाना चाहिए जी। कि 10-50 भगत और बैठे उनका इंतजाम करना चाहिए यहाँ सर। ये तो नासिक में होता है, नासिक में देखा है, हरिद्वार में देखा है, लेकिन यहाँ तो नहीं देखा है। यहाँ हर बार जो चाहे इलाहाबाद जो आश्रम मंदिर कैसा भी नमूना क्यों तोड़े गए? यहाँ तो 250 मंदिर तोड़े गए। तो फिर ये क्या तोड़े? और तो नासिक में तो सब बनाए गए और हाल बनाए गए, आप जानते हैं तो वहाँ हाल बनाए गए, टीन सेट बनाए गए। कोई बाहरी आदमी आएगा रुकेगा कहाँ? रुकेगा नोज में, हमारे जूना अखाड़ा के स्थान है। उस बार भी कुंभ में भी तोड़ा गया, इस बार भी तोड़ा गया, टापे तोड़ी गई, गऊँ नीचे दबी थी जो नोज पे आश्रम है, हम अपने हाथ से निकलवाए हैं उस बार कुंभ में, यही इस बार भी हो रहा है। तो यही है कि हिंदू धर्म खोटा करम सत्य बोलो डंडा खाओ, झूठ बोलो लड्डू खाओ,
सत्य बोलना ये है। तो हिंदू धर्म के सिपाही तो आप लोग हैं ना? नहीं नहीं, हम लोग तो बस संतों के सिपाही हैं, संतों के सेवक हैं, और तो सब धर्माचार कुछ। तो सनातन धर्म के सिपाही तो आप हैं बस। कहने की बात ये कि जैसे आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि नागा साधु क्यों कपड़े नहीं पहनते, तो उसका जवाब आपको मिल चुका है। जब ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो अगर हम इनके साथ बैठे तो हमें भी अचरज या कोई यू नो इट्स नॉट वियर्ड फॉर अस आल्सो टू बी कंफर्टेबल इन वंस ओन स्किन इज वेरी डिफिकल्ट। आप और मैं तो ट्राई भी नहीं कर सकते। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज कमिंग योर वे फ्रॉम अर्थकुंभ।